3000 महिलाओं का दुष्कर्म करने के बाद वो विदेश में जर्मनी में भाग जाता है। तो आप सोच सकते हैं कहीं ना कहीं ये हमारे केंद्र सरकार की कमियां नहीं है, जो एक दुष्कर्म करने वाला विदेश में भाग जाता है उसको रोका नहीं जाता। कि एक 70 साल की महिला, आप सोच सकते हैं, जिसको जो ढंग से चल भी नहीं पा रही है उसके साथ दुष्कर्म किया। चुनाव से 2 दिन पहले मोदी जी खुद वहां पर जाके मिले हैं उनसे, उनके साथ फोटो तक खिंचवाई है। तो आप सोच सकते हो उनका कनेक्शन कहां तक होगा। ये दिन रात की गारंटी लेते हैं, तो ये इनकी वही गारंटी है क्या ये, जो 3000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो जाता है और जो आरोपी है वो विदेश में भाग जाता है, ये इनकी गारंटी है क्या? इन्होंने तो जो आसाराम बापू हैं उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए, जो ये घटना सामने आई है, बीजेपी गठबंधन और जस्ट चुनाव होने के 2 दिन बाद शख्स विदेश में भाग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जो बीजेपी है का हाथ था उसको भगाने का। चाहते तो वो, जब मुकदमा उन पे हुआ, वो चाहते थे तो उनको रोक सकते थे, मगर उससे पहले उनको भगा दिया गया। तो आप सोच सकते हैं ना, ये जो सरकार है कहते हैं कि महिलाओं के हित में बातें करती है, मगर ये महिलाओं के हित में बातें नहीं करती है, महिलाओं के अहित में बातें करती हैं। आप देखिए, 2976 महिलाओं का दुष्कर्म किया गया और जो वीडियो कोर्ट में पेश करी गई, ये तो वो हैं सिर्फ जो ऑन द रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करी गई। और तमाम ऐसी महिलाएं जो होंगी जिनके साथ ऐसा दुष्कर्म किया गया वहां पर, वो जो कि रिकॉर्ड में भी नहीं है। तो आप ये सोच सकते हैं, ये जो सरकार है, आप इस सरकार को क्या कहेंगे, ये बलात्कारी सरकार है। ऐसे कई सारे मामले पूर्व में भी आते रहे हैं, जो बृजभूषण सिंह हैं, जो उन पे भी आरोप लगे कि बलात्कार का, और बीजेपी के कई सारे नेता हैं, चाहे कुलदीप सिंह सेंगर की बात करें। आखिर क्या दर्शाता है 3000 वीडियो? अपने आप में सोचने, अगर सोचेंगे तो आपको घिन आने लगेगी कि आखिर एक आदमी इतना क्रूर कैसे हो सकता है और महिलाओं के प्रति उसकी सोच कितनी गंदी हो सकती है। इसमें एक दो वीडियो ऐसी भी है जो बताया जा रहा है कि 70 साल की बुजुर्ग महिला तक को उस व्यक्ति ने नहीं छोड़ा। देखिए, बिल्कुल ही दिल दहलाने वाली घटना है कि एक 70 साल की महिला, आप सोच सकते हैं, जिसको जो ढंग से चल भी नहीं पा रही है उसके साथ दुष्कर्म किया। तो इस घटना को देख के पूरे भारत का दिल आहट हो चुका है। आप सोच सकते हैं ना, वो तो कहते हैं कि मंगलसूत्र छिनवा लेंगी, मगर जब उनके गठबंधन में ऐसे ऐसे नेता हैं जो 3000 से भी ज़्यादा आंकड़ाओं के महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जाता है, ये तो वो है जो मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। और ऐसी कितनी महिलाएं होंगी जिनका पता भी नहीं उन्होंने इतने दुष्कर्म किया। उसी में एक महिला जो है, जो उनके घर पे काम करती थी, उसके साथ भी दुष्कर्म किया गया। तो आप सोच सकते हैं, ये जो पार्टी है और जो बीजेपी पार्टी है, इन दोनों का जो गठबंधन है, ये कहीं ना कहीं महिला विरोधी पार्टी है। मोदी जी का एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मोदी जी तो ये भी कहते हैं कि बेटी पटाओ बेटी बढ़ाओ। तो मोदी जी की तो बात आप छोड़ दीजिए, मोदी जी की तो बात छोड़ दीजिए। मोदी जी तो जब खुद ही कहते हैं बेटी पटाओ, तो फिर उनका नारा सही है ना? तो वहां पे जो 3000 महिलाओं का जो दुष्कर्म किया गया है, तो मोदी जी के हिसाब से तो वो ठीक है। आखिर इतना प्रभाव आया कैसे गया, क्योंकि उसमें बताया जा रहा है कि सरकारी अफसर की भी महिलाएं थी, इतना पावर आने के बाद कैसे आया उनके यहाँ? देखिए, सत्ता के नशे में जब चूर हो जाता है तो वो उस रास्ते पे चला जाता है, उसे कुछ नहीं दिखता अपने सिवा। और 3000 महिलाओं का दुष्कर्म करने के बाद वो विदेश में जर्मनी में भाग जाता है। तो आप सोच सकते हैं कहीं ना कहीं ये हमारे केंद्र सरकार की कमियां नहीं है, जो एक दुष्कर्म करने वाला विदेश में भाग जाता है उसको रोका नहीं जाता। ये तो बहुत बड़ी 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 बातें करते हैं, महिलाओं का मंगलसूत्र की बातें करते हैं, मगर जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया उनकी सुरक्षा कौन करेगा? ये दिन रात की गारंटी लेते हैं, तो ये इनकी वही गारंटी है क्या ये, जो 3000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो जाता है और जो आरोपी है वो विदेश में भाग जाता है, ये इनकी गारंटी है क्या? आप सोच सकते हो, इन्होंने तो जो आसाराम बापू हैं उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। और तमाम जो घटनाएं आई हैं
उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रधानमंत्री के बयान को कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री ने जो ये बयान दिया है कि मुसलमानों को ये पूरे भारत की संपत्ति दे देंगे, जमीनें दे देंगे, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को पता था कि ये घटना सामने आने वाली है। लोगों को डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने ये बयान दिया। चुनाव से दो दिन पहले मोदी जी खुद वहां पर जाके मिले हैं उनसे, उनके साथ फोटो तक खिंचवाई है, तो आप सोच सकते हो उनका कनेक्शन कहाँ तक होगा। इसमें पूरी की पूरी साजिश बीजेपी की है उसको भगाने की। यानी बलात्कारियों का साथ दे रही है बीजेपी? हाँ, बलात्कारियों का साथ दे रही है। ये कहती है ना कि हम क्या नाम है राष्ट्रहित में बातें करते हैं, ये राष्ट्रहित में बातें नहीं करते हैं, ये राष्ट्र हित में बातें करते हैं, ये महिलाओं का शोषण करने वाले लोगों के साथ मिल के काम करते हैं। चुनाव पे इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। अगर ऐसे ही पार्टी जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म करेगी, उनको अपने साथ रखेगी, तो हमारे भारत में 140 करोड़ की आबादी है, उसमें से आधी महिलाएं हैं और आधे पुरुष हैं, उनको बिल्कुल ही वोट ना देके उनको यहाँ से भारत से खदेड़ने का काम करेंगी।